हाय एवरीवन, मैं 5 साल से JNU में पढ़ रही हूँ एंड मेरे ऐसे बहुत जूनियर्स हैं, मेरे ऐसे बहुत फ्रेंड्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि नेट कैसे क्लियर करा जाए, नेट में हम कितना टारगेट करें, या फिर नेट में हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, या फिर हम नेट में कितना पढ़ के जाएँ. दे यूज टू आस्क मी द स्ट्रैटेजी. सो इन दिस वीडियो वी विल बी टेलिंग यू कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड आपको कितना टारगेट लेके चलना है, आपको कितने मार्क्स लेके चलने हैं कि आपका नेट क्लियर हो. बिकॉज विदाउट मेकिंग अ स्ट्रैटेजी, विदाउट मेकिंग अ टारगेट, यू कांट क्लियर एन एग्जाम. सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स कि आपको कितनी कट ऑफ मान के चलनी है, आपको कितना रेंज होना चाहिए आपके परसेंटेज, आपके मार्क्स का, आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टू क्लियर नेट एग्जाम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट UGC नेट एग्जाम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनिमम मार्क्स टू बी कंसीडर्ड एज अ कैंडिडेट फॉर नेट JRF. सो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके मिनिमम मार्क्स कितने हैं कि आपको UGC का एक कैंडिडेट समझा जाए. सो फॉर दैट, फॉर जनरल यू हैव 40%, दैट इज 40 मार्क्स, 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए, 40 मार्क्स आपके होने चाहिए कि आपका पेपर चेक हो. सेकेंडली फॉर SC ST OBC PWD आपका 35% होना चाहिए, दैट इज आपके 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए. सो दिस इज अ बेसिक क्राइटेरिया कि आपको UGC का एक कैंडिडेट समझा जाए. बट दिस शुड नॉट बी योर टारगेट, दिस शुड नॉट बी योर टारगेट. योर टारगेट इज टू अचीव योर JRF, टू गेट योर नेट एग्जाम. सो सेकेंडली, ये है आपके क्राइटेरिया कि आप नेट देने के लिए कब एलिजिबल होते हैं. दैट इज 55% इन ग्रेजुएशन फॉर जनरल, 50% इन ग्रेजुएशन फॉर SC ST OBC. और आप अगर MA में है, फर्स्ट ईयर में है, या फिर आप सेकेंड ईयर में, या फिर आपका रिजल्ट अगर डिलेड है, यू कैन गिव योर नेट एग्जाम. सो अब बात करते हैं फिर से फर्स्ट पॉइंट की. लेट्स गो टू द फर्स्ट पॉइंट अगेन. इसमें आपके 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं. दैट इज आफ्टर द एग्जाम आपकी एक मेरिट लिस्ट आती है जिसमें आपकी सब्जेक्ट वाइज अलग आएगी, आपकी कैटेगरी वाइज एक अलग लिस्ट आएगी. देन कम्स योर, उसके बाद आपका जो टॉप 6% होगा, दे विल बी कंसीडर्ड फॉर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कैटेगरी एंड सब्जेक्ट वाइज. ये भी लिस्ट आपकी कैटेगरी वाइज आएगी एंड सब्जेक्ट वाइज आएगी. उसके बाद आपकी एक लिस्ट निकलेगी जो अलग से आएगी, दैट इज फॉर JRF. तो ये 3 पॉइंट्स आपके कब होंगे, जब आपका पेपर हो जाएगा. सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ पर हम आपको रेंजेस बताएंगे, हम आपको जहाँ पर कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि आपको कितनी कट ऑफ आपको देखनी है, कितने मार्क्स आपको लाने हैं, कितना रेंज आपका जा रहा है कि आपको इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. In our second section, we'll be talking about range of cutoffs. And range of cutoff means कि आपको इतने में से इतने ही आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस एंड आपको इतने ही परसेंट के बीच में मार्क्स लेके आने हैं, आपको परसेंट लेके आना है टू क्लियर UGC नेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टॉकिंग अबाउट फॉर नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सेकेंडली दे विल बी फॉर JRF. सो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट आपको 52 से 62% के बीच में ही स्कोर करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका जो कट ऑफ है इतना ही जाता है. फॉर नेट के लिए आपका कट ऑफ 52 से 62 ही जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपको 78 से लेकर 93 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. दैट मीन्स 156 से 186 मार्क्स आपको स्कोर करना है. तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इतने क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें कि आपके 78 से कम 93 के बीच में ही आपका स्कोर हो, आपके इतने क्वेश्चन सॉल्व हो. प्लस जिसके लिए आपका पेपर वन अच्छा करना बहुत ज़रूरी है. लेट मी टेल यू दिस थिंग अगेन कि आपका पेपर वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू UGC नेट एग्जाम. अगर आपको क्लियर करना है, आपके पेपर वन में कम से कम 35 to 40 questions बिल्कुल ठीक होने चाहिए फ्रॉम नेट परस्पेक्टिव, तभी आपका स्कोर इतना बन सकता है. बल्कि आप अगर 40 questions सॉल्व कर लें अच्छे से तो आपके लिए सेफ साइड है वो. सो 78 to 93 questions इतने आपको करने ही करने हैं फॉर दीज मार्क्स. सो आपका रेंज आता है 52 to 62%. नाउ वी विल टॉक अबाउट दी JRF. So for JRF you need 61 to 68% for your this thing. तो आपके यहाँ पर marks होने चाहिए 183 to 210 marks के बीच में, और आपका जो question solve होने चाहिए that is 91 to 102 questions. तो आपका इस percentage से, आपका इस रेंज से ये मीनिंग है कि आपको इतने इतने क्वेश्चन सॉल्व करके ज़रूर आने हैं, जिसके लिए अगर आपका पेपर वन में 40 to 45 questions अगर आप वहीं सॉल्व कर लेते हैं,
अगर आप वही ठीक कर लेते हैं तो आपका JRF होना बहुत ईजी है। हमेशा याद रखिएगा फॉर JRF, अगर आपका पेपर वन बहुत अच्छा गया है, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, प्लस आपने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व किए हैं, तो आपका JRF बहुत ईजीली हो जाता है। बिकॉज आपका क्योंकि आपका जो नेट का पेपर है वो स्कोरिंग तभी बन जाता है अगर आप पेपर वन को अच्छे से सॉल्व करते हैं, अगर आप उसमें अच्छा परसेंट लेके आते हैं। सो फॉर JRF आपका रेंज ये जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको फॉर नेट आपको 52 से 57% की रेंज में स्कोर करना पड़ता है तभी आपका नेट क्लियर माना जाता है, जिसका मतलब ये आपको 156 टू 171 मार्क्स के बीच में ही लाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टू गेट नेट क्वालिफाइड। अगर आप मैनेजमेंट का देखें, मैनेजमेंट में आपका जाता है रेंज 52 टू 59%, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है नेट क्लियर करने के लिए मैनेजमेंट में, जिसका मतलब है 159 टू 174 मार्क्स लाना। देन कम्स योर कॉमर्स, कॉमर्स में आपका जाता है कट ऑफ 52 टू 59% की रेंज में, दैट मींस 159 टू 174 मार्क्स। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चंस तो ज़रूरी ही सॉल्व करने हैं टू गेट नेट क्वालिफाइड। और जिनका रेंज यही जाता है तो आप पहले ये चीज़ मान के चलिए कि आपके पेपर वन में इतने तो क्वेश्चन सॉल्व होने ही चाहिए। बिकॉज जब आपका पेपर वन बहुत अच्छा जाएगा, पेपर टू में आपका स्कोर आएगा ही आएगा, बिकॉज वो आपका अपना पेपर है, आपका अपना सब्जेक्ट है, आपको उसका नॉलेज है। बट अगर आप पेपर वन में भी मार्क्स ग्रास्प कर लेते हैं, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। नाउ फ्रॉम JRF परस्पेक्टिव, आपका पॉलिटिकल साइंस में जाता है 61 टू 68%, कभी 62 चला जाता है, कभी 66 चला जाता है, कभी 64 जाएगा, कभी 62 जाएगा, बट इसी रेंज में जाता है, जिसका मतलब ये आपको 183 टू 204 मार्क्स के बीच में ही लाना है फॉर JRF। एंड फॉर मैनेजमेंट इट इज 62 टू 69%, एंड फॉर कॉमर्स इट इज 62 टू 68%। इन दोनों का आपको कंपैरेटिवली थोड़ा हाई मिलेगा। जब आप कॉमर्स बैकग्राउंड में देखते हैं, आप मैनेजमेंट में देखते हैं, स्कोर थोड़ा हाई जाता है एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल दी अदर जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आपका जाएगा 186 टू 204 मार्क्स, यहाँ पर आपका जाएगा 186 टू 204 मार्क्स अगेन। तो आपको ये चीज़ ढंग से समझनी है कि आपको कितनी रेंज के अंदर मार्क्स लाने हैं। अगर आपको JRF करना है, आपको नेट करना है, तो आपको पता होना चाहिए आपको कितने क्वेश्चन तो ज़रूरी ही सॉल्व करने हैं। बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप ढंग से स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे। सो इन द लास्ट पार्ट वी टोल्ड यू अबाउट जनरल कट ऑफ्स। तो अभी तक हमने बात करी है एक जनरल कट ऑफ की कि इतनी से इतनी जाती है, ये रेंज आपका नेट के लिए और ये रेंज आपका JRF के लिए। अगर हम बात डिटेल में करें, अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि आपको कितना स्कोर करना है। सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट फॉर जनरल, फॉर OBC, फॉर SC ST, PWD, फॉर नेट, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट फॉर JRF लाइक इन दीज कैटेगरीज, तो आपको डिटेल में चीज़ें और पता चलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट फॉर नेट। सो फॉर नेट आपको जनरल के लिए लाने हैं 52 से 64%। ये सबसे ज़्यादा वैरी करता है, सबसे ज़्यादा अगर आप देखें जनरल का जो कट ऑफ आता है फॉर नेट, ये सबसे ज़्यादा आपको इसका रेंज कभी ऊपर मिलेगा, कभी नीचे मिलेगा काफ़ी। तो नेट के लिए तो आपको जनरल के लिए आपको ये रेंज में लाना है मार्क्स। देन कम्स योर क्वेश्चंस कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको 78 टू 96 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आपका नेट क्लियर हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, उसके लिए आपको मार्क्स चाहिए 156 टू 192। तो 78 क्वेश्चंस मींस 156 मार्क्स आपके होंगे स्कोर, एंड 96 मीन्स 192। तो आपको यही रेंज के बीच में अपना स्कोर करना है ताकि आपका नेट क्लियर हो फॉर जनरल कैटेगरी। देन कम्स OBC, एंड इसमें आपको ध्यान रखना है ये है नॉन क्रीमी लेयर का फॉर OBC, जिसमें आपका रेंज होना चाहिए 47 टू 51% के बीच में। दैट मीन्स यू नीड टू स्कोर 141 टू 153 मार्क्स के बीच में आपका स्कोर आना चाहिए, प्लस जिसमें आपके 71 से 76 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू फोकस कि आपके इतने क्वेश्चन सॉल्व होना ज़रूरी है। देन कम्स SC ST PWD, जिसमें आपका रेंज आता है मोस्टली 40 टू 45% के बीच में, विच मीन्स यू नीड टू सॉल्व अराउंड 60 टू 67 क्वेश्चंस, दैट मीन्स 120 टू 135 मार्क्स आपके होना ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर JRF। अगर आप JRF के पर्सपेक्टिव से
देखें, अगर आप देखें जनरल कैटेगरी का स्कोर बहुत हाई जाता है, जनरली काफ़ी हाई। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें जहां पर अगर आप देखेंगे 71% तक जाता है फॉर JRF, तो फॉर जनरल यू नीड टू हैव 93 to 108 questions to be solved. आपको बहुत ज़्यादा question आपके सही होने चाहिए अगर आप general category से हैं for JRF, जिसमें आपका range आता है 62 to 72%, आपका range यहाँ पर 70s से भी आगे जाता है for JRF. ऐसे बहुत papers हैं जिनमें आपका range बहुत high जाएगा, like international relations जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पर कभी कभी 71% जाता है, 70% जाता है, 69% जाता है, even for political science also it goes up. So you need to solve 93 to 108 questions. That means 186 से 216 marks आपके होने चाहिए अगर आपको JRF clear करना है from general category. Then comes your SC ST OBC PWD, जिनका score high जाता है 5 to 6%. मगर आपको अगर आपको JRF करना है फ्रॉम जनरल कैटेगरी, आपको हमेशा प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, आपका जो रेंज है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. एंड फॉर SC ST OBC PWD आपका 5 to 6% हाई जाएगा आपके नेट के अकॉर्डिंग, बट फॉर जनरल इट गोज़ अप बहुत ज़्यादा. सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इतने से इतने क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करने हैं. Thank you for watching the video. Subscribe to our channel to get the latest notification for the UGC NET exam. अगर आपको हमारा video अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर like करें, और अगर आपकी कोई भी queries हैं तो आप ज़रूर comment section में reply करें. Thank you.